ज्यादा विद्यार्थी को देख लेना, वो विद्यार्थी पीछे आईएएस वाले हैं जिनके नंबर ज्यादा नहीं है, 90% और 99% वाले नंबर वाले नहीं है, 50% वाले नंबर वाले, लेकिन क्या है एसडीएम डीएम पीएससी सीओ पदों पे क्या है बैठे हुए हैं। हमारे जो बच्चा है जो जनरल एक ट्रेडिशनल वो ले रहा है, एजुकेशन ले रहा है, चाहे बीए पढ़ रहा है, बीकॉम पढ़ रहा है या बीएससी पढ़ रहा है, तो विद्यार्थी क्या करता है ज्यादातर सरकारी सेवाओं की क्या है तैयारी करता है। इसलिए ज्यादातर सरकारी सेवाओं में देखा होगा आपने, जो आप लोग बैठे हैं, जो हमारे साथी बैठे बच्चे हुए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या है सरकारी सेवाओं में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो। इसलिए क्या है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, क्या है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। जब हमारे प्रधानमंत्री चाहे देश का देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इतने बड़े राष्ट्र के जो कि विश्व का सबसे दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, हो सकता है कि हमारे बीच से ही कोई बच्चा कल को मुख्यमंत्री नजर आए, कल को कोई प्रधानमंत्री नजर आए, ठीक है। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप सारी चीजों को क्या है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें सोचना है, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो क्या है कड़ी मेहनत करता है। हमारे पिताजी बताते थे अल्मोड़ा में कि उनके पास कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं होता था, तो राख से कपड़े धोते थे, और एक कंबल होता था वहां की ठंड होती थी, बर्फ पड़ती थी बहुत ज्यादा, हमारा अल्मोड़ा से भी 60 मीटर आ गया है, तो कंबल भी फटा होता था और नीचे ये जो बराज होते हैं उसको बिछा के सोते थे। तो उन्होंने गरीबी देखी, लेकिन गरीबी के बाद उन्होंने शिक्षा को क्या अपना हथियार बनाया, और तब शिक्षा के क्या ये अब तो महाविद्यालय बहुत होते थे, महाविद्यालय भी होते थे, एक अल्मोड़ा कैंपस था, एक नैनीताल था, वो भी आगरा से जुड़ा हुआ था। अभी हमारे विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश पालीवाल जी ने अपने द्वारा तैयार की हुई कुछ वीडियो भी और कुछ जगह इस तरीके के टॉपिक बनाकर के दिखाए, और उसके माध्यम से आपको जो है समझाया कि किस तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमें कैसे हासिल करना चाहिए, अपनी गरीबी को कैसे हटाना चाहिए, कि शिक्षा ही एक ऐसा धन है कि उसे कोई चोर चोरी भी नहीं कर सकता। ये प्रोग्राम स्पेशली नव प्रवेशी छात्रों के लिए आयोजित हुआ है, और इस प्रोग्राम को आयोजित करने का हमारा उद्देश्य है कि आपको महाविद्यालय की सुविधाओं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, अनुशासन, एंटी रैगिंग, तथा चूंकि आप एक विशेष छात्र हैं, पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नव प्रवेशी छात्र पहला बैच आप हैं, तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी अवगत कराना यहाँ हमारा उद्देश्य। इन सब चीजों को हम एक प्रोग्राम की शेड्यूल के द्वारा सिखाएंगे, तो आप तो धैर्यपूर्वक सुनिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समाजशास्त्र विभाग से मेरी साथी डॉक्टर निशा पाल मैडम को आमंत्रित करती हूँ। एंड फैसिलिटी एंड कॉलेज डिसिप्लिन एंटी रैगिंग एंटी टबैको एंड वेबसाइट। नेक्स्ट सर, महाविद्यालय का एक परिचय बच्चों, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके लिए जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शर्ट तो बहुत ज्यादा फोल्ड करके नहीं घूमेंगे, ठीक है, और अगर ट्राउजर की अगर हम बात करते हैं तो एंकल लेंथ ट्राउजर, बहुत सारे बच्चों के जो ट्राउजर छोटे हैं तो वो ना सिलवाएं, आपकी जो ट्राउजर की लेंथ है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और आप ये कोई एक्सक्यूज नहीं दोगे कि मैम टेलर ने गलत सिल दिया, तो एक्सक्यूजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो यूनिफॉर्म मेकिंग नॉइस विच इरिटेट्स द अदर टीचर्स, है ना, जो बाकी टीचर्स को भी परेशान करता है। तो जब भी आप कॉरिडोर में जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे, शांतिपूर्वक। नेक्स्ट थिंग, दीज आर बेसिक लाइब्रेरी रूल्स, ठीक है। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो कैरी योर स्टूडेंट आईडी कार्ड, सबसे पहले क्या लेके जाना, क्वालिफाई करने पर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करने पर सर्टिफिकेट की डिग्री दी जाएगी, सर्टिफिकेट का दिया जाएगा, 2 साल क्वालिफाई करने पर डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल क्वालिफाई करने पर डिग्री दी जाएगी। इसके साथ ही जिस तरह से ग्रेजुएशन में हर साल के लिए अलग से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री मिलेगी, उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, स्नातकोत्तर के लिए भी, उसमें प्रथम वर्ष कंप्लीट करने पर तुम्हें बैचलर इन रिसर्च इसकी डिग्री दी जाएगी, इसकी बैचलर इन रिसर्च, और 2 क्षेत्र के संस्थान है कि वो भी
कोरोना में अपनी ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सहारा लें और अपने जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको निरंतर जारी रखें। तो ई लर्निंग, सबसे पहले मैं ई लर्निंग है क्या, तो सरल शब्दों में अगर कहें तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से जो अधिगम किया जाता है, जो सीखा जाता है, जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो ई लर्निंग कही जाती है। और ई लर्निंग का उल्लेख जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी कहा गया है कि छात्र एक साथ दो उपाधियां ले सकता है अलग अलग विश्वविद्यालय से भी, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनका अध्ययन करने के पश्चात। बच्चे आप लोग आए हैं, इस सर ने नई शिक्षा नीति के बारे में बताया, वो भी बहुत जरूरी था, उसके बिना आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपको क्या सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं। उसके बाद हमारे कौशिक सर ने बताया कि ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से आप कैसे कैसे कहां से किस लिंक पर जाकर कैसे बिना पैसे के और कुछ भी खर्च के बिना पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी बहुत जरूरी था। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लिखने के साथ साथ और अच्छा परसेंटेज पाने के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है जो आपने पढ़ा है लिखा है उसकी अभिव्यक्ति, उसका प्रेजेंटेशन, यानी कि आपके सामने टॉपिक संचार, संचार मतलब अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। हम अपनी बातें दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, अपने टीचर्स से पूछे गए। देखो बच्चों होता है संचार, संचार हिंदी में आपकी भाषा में समझे तो वार्तालाप, बातचीत, अपने विचारों का आदान प्रदान, उसके लिए क्या क्या होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, जैसे कि मैं कर रही हूँ, दैट इज अ काइंड ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। जो हम फोन पे बात करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, दैट इज अ रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल, रिपोर्ट, बुलेटिन, लेटर, मैनुअल, टेलीग्राम, दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर मिला। वैसे तो यह पूरा कार्यक्रम तकनीकी कार्यक्रम है और बच्चों को इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे वर्ष जो आपका शैक्षिक सत्र चलना है उसमें क्या क्या गतिविधियां होनी है, आपको किस प्रकार अनुशासन, उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कीर्तिमान कैसा कि जब से पंचायती राज एक्ट बना है 1952 से, तब से अब तक रायसी जैसी विशाल क्षेत्र पंचायत में जिसकी मतदाता संख्या लगभग 2000 के आसपास है निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां। यहां एक ऐसा इतिहास बना है 70 साल में। वैसे तो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे महाविद्यालय स्टूडेंट इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में आप सभी का सभाकार कक्ष में सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। और यदि संचालन कर रहे हैं डॉक्टर राहुल कौशिक जी और अभी मेरे बारे में बहुत अच्छे वक्तव्य के तौर पर आप लोगों को बताया डॉक्टर ए पी कंवर जी। और यहाँ पर समस्त सम्मानित स्टाफ जो अपना कीमती समय यहाँ पर बैठे हैं और मुझे सुनने के लिए आपने अपना 5 मिनट का वक्त निकाला, उसके लिए आप सबका और राजकुमार जी आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं इसलिए आपको ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज ये प्रोग्राम और अच्छा प्रोग्राम आपको चल रहा है, ज़्यादा ना कहते हुए क्योंकि बात यह है ये सब जो कुछ हुआ है ये सब आप लोगों की दुआ है, आपके दुआओं के बिना कुछ नहीं होगा। यदि मैं कल का आपका एक्सप्रेस बताऊं तो आप भी सोच रहे क्या। आपने जो तकनीकी सत्र में जो जो सुना, जो जो पीपीटी आपके सामने प्रेजेंटेशन किए गए,
वो थोड़ा सा टेक्निकल थे, लेकिन इसकी महत्ता जो पीपीटी का टॉपिक मेरा आज का है वह कम नहीं है। भले ही आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप सबसे नीचे की अगर कोई योग्यता परीक्षा देते हैं और आईएएस तक, इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक सामान्य सी बात यह है कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो आपको अपने अधिकार भी पता होने चाहिए। और जब तक आपको अपने अधिकार प्राप्त पता नहीं होंगे, तब तक आप उन्हें प्राप्त करने के लिए कितना भी प्रयास कर रहे हैं, उनको प्राप्त नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट यानी के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, किस धारा में, किस उपधारा में क्या क्या दिया गया है, आप सब तो कृपया करके सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप ध्यान से सुने। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको यहाँ से मिल सकती है, अगर कुछ नोट कर सकते हो तो नोट भी इसके साथ साथ कर सकते हो आप। फंडामेंटल राइट में सबसे पहले आपको समझना ये कि आर्टिकल 12 से 35 तक राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम 42वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसको वैधानिक यानी के कानूनी लीगल राइट बना दिया गया। आप वर्तमान में जय हिंद बच्चों, आवाज नहीं आ रही है। यही चाहिए था, लेकिन ना किसी के लिए बात कर रहे हैं, कोई सुनने वाला है, बस लग रहा अपने नहीं कर रहे। मैं बोलता हूँ मैडम सुननी है, सर बोल रहे हैं मैं सुनता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है पीट पीट के बिठा दिया तुमको। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारी तालियों की गुलाब से लग रहा है कि मैं चिंता देखो के बीच में आ गया हूँ। पहली चीज है इंटरेस्ट, ये सब मेहनत जो है आपके लिए है। वैसे बता दूं मुझे भी कुछ नहीं आता, बाकी कुछ नहीं आता, ये तो आपका बड़प्पन है कि मुझे टीचर बना दिया। सुन लो, ज्यादा देर मोट नहीं करूंगा, पक्का है वादा। ये है करियर काउंसलिंग प्लेसमेंट असिस्टेंस कमेटी, यहाँ पे करियर के बारे में गाइडेंस दी जाती है। वैसे बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, हमारे प्रोफेसर्स ने इतना ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश फैला दिया कि कुछ जैसे जुगनू की जरूरत नहीं थी। अभी ये हमारी टीम मेंबर्स हैं जो आपके लिए डिवोटेड है, मतलब जो आपको चाहिए, जो आपको बनना है, जो आपकी शंका है, हर एक का निवारण है। हमारी टीम में बड़े छांट छांट के अनमोल रतन है। हमारे मनोज सर हैं, विकास सर हैं, प्रीति मैम, लक्ष्मी मैम, दुर्गा मैम, आप जानते भी होंगे, नहीं जानेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। यार सर, आजकल मूल्य जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती हैं, वो बहुत तेजी से बदल रही है कि आप कितना कमाते हैं उससे ही आपकी सोसाइटी में, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। बताने का तो साइकिल भी ना है, गरीब है, सब आत्मा करें, हम पहले लेवल का ना है, चल उससे दोस्ती करेंगे, उस तो मर्सिडीज है, खुली छतवाली फोटो खिंचवाएंगे। सर ये है हमारा काम, हम लोग मदद के लिए बने आपकी, मदद किसमें, करियर से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए। ऐसा होगा तो क्या होगा, सर नहीं करूँ तो कैसे कर लूंगा, ये मुझसे ना हो पा रहा कैसे करूँ वगैरह वगैरह सवाल आपके जवाब हमारे होंगे। अगर आप चाहेंगे तो घर तो हम आएंगे नहीं, है ना। कुआ जो होता है वो अपनी जगह ही रहता है, प्यासे को नहीं आना पड़ता है कुएं के पास, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। हम वही देंगे जो आप चाहेंगे, इतना कर सकते हैं कि एक कदम आप बढ़ाओ तो 9 कदम मैं बढ़ा सकता हूँ आपके लिए। कॉलेज में स्वागत।
जो मुझे पहचान गए होंगे, मैं देख रही यहाँ बैठे हैं बीएससी फर्स्ट एंड सीबी चैट के बच्चे। मायसेल्फ डॉक्टर मंजू, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड को हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड को कन्वेनर तत्व इको क्लब हैं, जो इस तत्व इको क्लब से जुड़ना चाहेंगे। बच्चों प्लीज हैड प्लेस कीजिए अपने। नो वन इज इंटरेस्टेड टू सेव योर एनवायरनमेंट। स्वच्छ और खूबसूरत वातावरण। हाँ जी हाँ जी। सेल में जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है, इसके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।